पिछले दिन ही मांजो कोर्ट दा राहुल गांधी नू लेके एक बहुत वड्डा फैसला आया है और उस फैसले नू लेके किते ना किते राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह खुश नजर आ रही है। आज दे दौर विच मोदी एक सर्वशक्ति सियासतदान है पर इस दौर दे विच उन्हां दी सब तो वड्डी सियासी हार हुई है। राहुल अते मोदी चोण मैदान दे विच आमो सामने तो नहीं हुए पर इस मामले विच दोवें आमो सामने हो गए ने। जेकर मोदी अते उन्हां दी पार्टी दे मंत्रियां नेतावां ते बुलारियां ने गुजरात दी हेठली अदालत अते हाई कोर्ट दे फैसले दा जशन ना मनाया तां कहा जा सकदा है कि सरकार अते मोदी इस तो दूर हन, पर जशन मना के उन्होंने साबित कर दिता है कि ओ इस फैसले नू जित दे रूप विच वेख रहे ने। कोर्ट राही राहुल नू खत्म करन दी कोशिश कीती गई सी, राहुल अदालत राही मुड़ खड़े हो गए और राहुल दे खिलाफ नरेंद्र मोदी दी पहली बार सियासी हार हुई है और ये सियासी हार नू सचमुच बीजेपी वाले सहार दे नजर नहीं आ रहे। लोग कह रहे हैं कि लोकसभा दी चोणां तो पहला ही एक बहुत वड्डा झटका कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार नू दिता है और इस झटके तो किते ना किते बीजेपी उभरती नजर नहीं आ रही। ਇਹ ਉਹ ਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਲੜਾਕੂਆਂ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਨੇ ਜੋ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ और बार बार ये गल्ला बातें निकल के सामने आ रही ने। बेशक वो निचली अदालत होवे उपरली अदालत होवे कि मैं किसी तो माफी नहीं मंगांगा, मैं अजिहे शब्द कहे नहीं है और बार बार राहुल गांधी के इस बयान नू मद्देनजर रखदिया होया किते ना किते अज बीजेपी जिहड़ी है वह पूरी तरह डिस्टर्ब नजर आ रही है। और खास करके जे आपां देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गल करिए ते लोग पुछ रहे ने ये राहुल गांधी की जित है लेकिन मोदी की हार है। चोणां तो पहला 2024 दी चोणां तो पहला ही मोदी की एक बहुत वड्डी हार है। लोग कमेंट के रूप में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे ने। सो गुजरात दे विच जिस तरह की गलबात शुरू तो लैके हुण तक हुई है उस दे विच किते भी राहुल गांधी ने माफी मंगण की गल ही नहीं है कही है। और देखो उस तो पहला उन्हां दी लोकसभा की सदस्यता जिहड़ी उसनू खत्म किया गया, उन्हां नू तुरंत कहा गया कि अपना जिहड़ा बंगला है जिहड़ा सरकारी बंगला है उसनू खाली कर दिओ। राहुल गांधी ने एक सैकंड नहीं लगाया उसे वेला ही हुक्म की तामील करदिया होया उन्होंने बकायदा तौर पर उसनू खाली कर दिता। लेकिन कल जो राहुल गांधी के हक के जो फैसला आया है मानयोग सुप्रीम कोर्ट का वो किते ना किते मोदी की जिहड़ी नींद है उस फैसले तो मोदी जिहड़ा है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और पूरी बीजेपी की जिहड़ी टीम है वह भी डिस्टर्ब नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।